बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो वीडियो है, मतलब आप यूट्यूबर हैं तो आपकी वीडियो किसी बिग यूट्यूबर के सजेशन में, रिकमेंडेशन में, जब आप किसी बिग यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो नीचे सजेशन में या रिकमेंडेशन में काफ़ी वीडियो आ जाती हैं। तो आप अगर अपनी वीडियो उसी किसी उस टॉपिक पर बनाते हैं कि आपकी वीडियो उसके सजेशन में है, तो किस तरह आती है, छोटी सी मतलब कि ट्रिक्स है जो आज मैं इसकी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं वाई टी स्टूडियो पे। बाय प्रूफ मैं आपको वाई टी स्टूडियो से दिखाता हूँ किस तरह रिकमेंडेशन में मेरी वो वीडियो गई है और मुझे व्यूज़ कितने मिले हैं। तो सारा प्रूफ मैं आपको आज दिखाऊँगा। तो वाई टी स्टूडियो पर चलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, नीचे चलते हैं व्यू मोर पे। तो मैंने जो वीडियो अपलोड की हुए हैं उसके बाद मैंने एक वीडियो, मतलब कि 32 GB to 64 GB पैरेलल स्पेस वीडियो अपलोड की थी, जो मेरी मतलब कि उस पर काफ़ी व्यू आए थे। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ जो टैग लिए थे इस पर, मतलब कि वो मैंने किसी बिग यूट्यूबर से, मतलब कि वो कॉपी किए थे, कॉपी करके उसको पेस्ट किया था। उसके बाद मेरी जो वीडियो है वायरल भी हुई थी, रिकमेंडेशन में भी गई थी। मैंने मतलब कि अपने दोस्तों से, मतलब मोबाइल लेके वहाँ से मैंने सर्च करके भी देखा था कि रिकमेंडेशन में आ रही है कि नहीं। तो बाय प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पे यहाँ पर एक पेन नुमा मतलब आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने इस पर टैग लगाए थे, मतलब कि कितने सारे टैग लगाए हुए, मतलब कि वहाँ से कॉपी करके यहाँ से भी टैग लगाए थे। टैग लगाने के बाद मेरी वीडियो वायरल भी हुई थी, मतलब कि 2-3 दिन हफ्ते के अंदर, मतलब कि मुझे इतने व्यूज़ मिले थे। उसके बाद यहाँ सेव कर लेते हैं दोस्तों, बैक पर चलते हैं। भाई प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको कि मुझे कितने, मतलब कि कैसे सिचुएशन में आई, कौन से टैग से मुझे कितने फ़ीसद व्यूज़ मिले। तो उसके बाद व्यू मोर पे जाएँ। पे व्यू मोर जहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, डिस्कवरी पे जाएंगे। डिस्कवरी पे जाने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि, मतलब कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टॉप वीडियो सजेशन योर कॉन्टेंट, मतलब कि जो मैंने कॉन्टेंट डाला था, जो मैंने वो डाला था उससे जो मेरी सजेशन हुई है, मतलब कि जो मैंने टॉपिक था मेरा, टॉपिक से जो दूसरों लोगों को फ़ायदा हुआ और मुझे फ़ायदा हुआ है, वो सारी परसेंटेज वहाँ शो हो रही है कि यूट्यूब अर्निंग कैसे चेक करें। मतलब कि ये भी मेरे सजेशन में आई, मतलब कि मैंने जब मैंने दूसरों, मतलब कि बिग यूट्यूबर का टैग डाले तो मेरी भी वीडियो से फिर, मतलब कि किसी और की जो वीडियो सजेशन में आती है। इस तरह दोस्तों, आप भी अपनी मतलब के वीडियो पे किसी के टैग डाल के, मतलब कॉपी पेस्ट करें, या मतलब किस तरह, मतलब के उसको जिस तरह के वो टैग डाले उसको थोड़ा ऊपर आगे पीछे, मतलब के डॉट लगा के या स्लैश लगा के कुछ भी करके वो लगाएं, आपके वीडियो रिकमेंडेशन में ज़रूर जाएगी, आपके व्यू भी मिलेंगे। बाय प्रूफ मैं आपको जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुझे इस तरह इस वीडियो पे इतने मतलब कि व्यू मिले थे। मैंने आपको पहले भी बताया, दिखाया भी है बाय प्रूफ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लें। तो इस तरह दोस्तों, जब इस टॉप वीडियो सजेशन योर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मतलब कि इस पर हर टैग का जो मतलब कि होता है कि जो मतलब काफ़ी सारे टैग मैंने 10-12-20 लगाए थे, तो कौन सा टैग मतलब कि ज़्यादा मतलब कि मुझे व्यू दे रहा है, वो यहाँ से देखेंगे कि ये मैंने टैग जो लगाया था इस पर मुझे इतने व्यू मिले हैं और दूसरों को इतने व्यू मिले हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मतलब कि अगर आपने भी ऐसे मतलब कि आपने वीडियो को चेक करने हैं कि हमारी वीडियो पे कितने, मतलब किस टैग पे कितने व्यू मिले हैं, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक्स थी और इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई जो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा वाकई कराम भाई बहुत अच्छी ट्रिक्स थी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, वो इससे भी इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।